हमीरपुर में कर्फ्यू के दौरान प्रवासियों को भोजन और दूसरी चीजों के लिए कोई कमी ना हो, इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। नगर पंचायत के पूर्व प्रधान भोपाल चर्द शरण प्रसाद का कहना है कि नगर पंचायत में लगभग 275 प्रवासी रहते हैं। भूटा में प्रवासियों के परिवारों को स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों ने 35 क्विंटल राशन बांटा गया है। भूटा क्षेत्र के इन प्रवासियों के पास करीब एक माह का राशन है। वहीं शरण प्रसाद ने कहा कि जो नगर पंचायत के स्थानीय लोग हैं, दिहाड़ी मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, उनके बारे में भी प्रशासन सोचे और उन्हें भी राशन व पैसे की सहायता उपलब्ध करवाए, ताकि ये भी अपने लिए जरूरतमंद चीजें खरीद सकें। वहीं शरण प्रसाद ने कहा कि नगर पंचायत के लोगों को घर घर जाकर लोगों की सुध लेनी चाहिए। 275 प्रवासी लोग रहते हैं, जिनकी 75 फैमिलीज हैं, उन लोगों की जो लिस्ट मुहैया करा दी गई है और स्थानीय स्तर पर भी कुछ लोगों ने प्रवासी मजदूरों को लगभग 35 क्विंटल जो है वो अनाज बांटा है। तो हमारे नगर पंचायत के क्षेत्र में जितने प्रवासी हैं उनके पास लगभग एक माह का राशन जो उपलब्ध है। और इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से सरकार से और जिला प्रशासन से अपील करना चाहूँगा कि जो नगर पंचायत क्षेत्र के जो गरीब लोग हैं, जो लोग दिहाड़ी लगा करके या डेली काम करके रोटी कमाते थे, उन लोगों के ऊपर भी की तरफ भी सरकार देखे और उन लोगों को भी राशन मुहैया कराया जाए और उन लोगों की वित्तीय सहायता भी की जाए, ताकि वो लोग रोज़मर्रा की जो वस्तुएँ हैं दिला सकें। पर शहर की सफाई व्यवस्था का पूरा ध्यान रखे हुए हैं। स्थानीय नगर पंचायत के कनिष्ठ अभियंता की अगुवाई में घर घर जा करके सैनिटाइज स्प्रे किया जा रहा है। और मैं एक बार आपके माध्यम से लोगों से अपील करूंगा कि कृपया इस लॉकडाउन का संपूर्ण पालन करें और जूट की कोई भी चीज़ हमारे क्षेत्रवासियों को चाहिए हो तो उनको जो हमारा नंबर भी उनके पास उपलब्ध है। इसके साथ साथ स्थानीय दुकानदारों का नंबर भी लोगों को मुहैया करा दिया गया है। नगर पंचायत भोपाल जो है वो घर द्वार तक सभी सामान उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। हमने कुछ लोगों को घर घर जाकर सब्जियाँ भी दी हैं, दूध भी दिया है, दही भी दिया है और राशन का सामान भी दिया है। और विषय में भी नगर पंचायत भोपाल जब तक ये कर्फ्यू चला हुआ है, इसके बारे में लोगों को जागरूक कराती रहेगी और जो भी सामान लोगों को घर द्वार चाहिए होगा वो लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। फिर शुरू हो रहा है, ये सरकार के माध्यम से हो रहा है जी जी। और जो हमारा स्थानीय प्रशासन है, जो भोपाल अपना सब तहसील के नायब तहसीलदार साहब है, वो पोस्टमार्टम इस चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने कभी सामान बांटा है और आज ही सामान बांट रहे हैं। और ऐसा तो प्रवासी मजदूर भोपाल में नहीं है जो कि भूखा हो और उसका सामान ना हो। सभी लोगों के पास पर्याप्त सामान है और पर्याप्त सुविधाएं भी उपलब्ध है जी। लॉकडाउन का पूरा सम्मान कर रहे हैं, सभी लोग घरों में रह रहे हैं और कोई व्यक्ति जो है इसका उल्लंघन नहीं कर रहा है। और कुछ लोग जो जरूरतमंद लोग हैं वही सब्जी और सामान लेने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, अदरवाइज लोग इसका पूरा पालन कर रहे हैं। भूटा नगर पंचायत के सहायक अभियंता तिलक राज की अगुवाई में घर घर जाकर सैनिटाइजर स्प्रे किया जा रहा है। वहीं नगर पंचायत के प्रधान भोपाल शरण प्रसाद ने लोगों से अपील की है कि भूटा के सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें और अपने घरों से बाहर ना निकले। एस टुडे के लिए भूटा से रमनकांत की रिपोर्ट।